जी ये है, फिर खिलौने रखे हुए थे बच्चा के, फिर हम देख रहे थे, लेकिन बच्चे तो वे खिलौने ना कितने ले आवा उन्होंने तोड़ते हैं। बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ थी जी खाटू श्याम जी के में, लेकिन क्या था भीड़ तो थी लेकिन दर्शन की लाइन में ठीक थी, वैसे भीड़ थी क्योंकि सैटरडे संडे को तो एक्स्ट्रा हो जाता है। दर्शन करके आ भी बहुत पब्लिक रही थी, जा भी बहुत पब्लिक रही थी, बहुत अच्छा रौनक लगी, मन भी खुश हो गया करते देख कर। लेकिन वह बात है, इंसान इंसान को नहीं दिखेगा तो फिर मन नहीं लगेगा, भीड़ भी होनी ज़रूरी है। फिर हम बोल रहे थे मकल यहाँ से थोड़ा प्रसाद ले लें चढ़ाने के लिए, फिर बाकी का तो दर्शन करवा के प्रसाद का फिर वापसी में ले लेंगे आते टाइम। फिर मैं कहा थोड़ा बहुत जहाँ से प्रसाद लेंगे वहीं चप्पल निकाल देंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा पीछे करते हैं ना तो फिर वो तो हो जा है, पैरों में भी दर्द था, बड़े पैर चलने नहीं जाता आजकल। देखो मैं कह रही थी मैं कल यहाँ से ले लेते हैं, और ये देखो दुकान आ गई, अब देखो यहाँ सब देखो वीडियो में मैं फोन ना में सब मस्त हो रहे हैं। फिर हम इस दुकान पर गए, यहीं से लेते हैं हम प्रसाद, फिर हमने यहाँ तो प्रसाद लिया, फिर प्रसाद लेकर हम चले गए। मतलब ये निशान स्थल है वे जहाँ निशान चढ़ाए जाते हैं, फिर यहाँ बाबा के दरबार में एंट्री हो गई है। देखो यहाँ जो दर्शन करने की लाइन थी ना, यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, यहाँ दर्शन बहुत आराम से होते हैं, व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कभी भी चले जाओ पीछे न भीड़ रह जाए, लेकिन इसमें नहीं भीड़ होती, क्योंकि देखो इन्हें 7 लाइन बना दी तो 7 लाइन तो चलती जहाँ दी, तो हम ही भीड़ करने वाले और हम ही खाली करने वाले, दर्शन करो और आराम से आगे निकल जाओ। अरे यहाँ बहुत अच्छे नारे लग रहे थे, जय श्री श्याम लगातार की, बहुत बढ़िया बढ़िया ऐसे आवाज़ गूंज रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। बस फिर दर्शन का इंतज़ार कर रहे थे कि बाबा के दर्शन हो जाए जल्दी से, ऐसे चलते चलते देखो देखो यहाँ ये लगा रखा है जय श्री श्याम का फोटो, सभी जाते हैं सभी देखते हैं, वे देखो वही व्यवस्था, लाइन बिल्कुल खाली है, आराम से जाओ आराम से दर्शन पाओ। और ये वो पहल था, अब हमारे दर्शन कर वापस निकल लिए थे, क्योंकि जहाँ दर्शन करे ना वहाँ वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं अपने लड़के के लिए ना मैंने वीडियो कॉल की थी, मैंने दर्शन करवाने थे बेटे के। देखो मार्केट में मेला लगा हुआ है, फिर मेले को देखते हुए वे भतीजे के लड़के थे, कुछ एक दो छोटी मोटी चीज़ ली खिलौने वगैरह, मेला तो बेबारू मास का लगन लगे, क्योंकि पब्लिक जाएगी तो देखो मेला तो लगाएगा, पर देखो हर बार जावा तो फिर लेकर भी के आवा, देखो ये जूतियाँ हमारे यहाँ है यही वो है, यो भी फिर त्रोण द्वार आ गया, त्रोण द्वार से हम फिर दर्शन करके और बाबा के दरबार से हम चल पड़े हैं। देखो कितना अच्छा लुक आ रहा है त्रोण द्वार का, त्रोण द्वार देखते तो ये हो जाए बस हाँ आ गए, हो गया बाबा के दर्शन। यहाँ पे फिर हमने केले लिए, यहाँ किलो के भाव में केले मिल रहे थे, फिर हमने 2 किलो केले लिए, और तो क्योंकि यहाँ ना बंदर बहुत ज़्यादा थे, फिर मकले चलो कोई नहीं मकले बंदरों को केले खिला देते हैं, लेकिन ये है ना बंदर भी बेकती छिके बैठे हैं, जो भूखे हैं वे तो ले ले हैं। पहला 1 किलो लिए थे, फिर मैं बोली ये तो थोड़े हैं, फिर हमने 1 किलो और करवाए, मतलब 1 किलो और करते, किलो के भाव में दे मत, बात वही आज जैसा। फिर बोला मैं अतुल तो कह रही थी अतुल जा बंदरों ने खिला दे, अतुल बोला मना तो बॉर्डर लगा है, फिर वैसे अपा ने खिलाए। देखो ये भी भाग गया मंकी, देखो भूख तो वही ना लगा है, लेकिन बहुत बंदर हैं कि सबका वो पब्लिक आवा है, यहीं से लेवा है, यहीं डालना है।
मंकी भागे भागे आए हैं ए इबीस ना देवांगे हम अपना डर लग गया वकाल लो इसको पता दे दिए खराब सा होता है ए देखो कैसे चपट्टा मार के ले रहे हैं ए देखो ये बहुत मोटा बंदर आ गया सारे आ गए अकेले देखने के बाद में तो देखो खाने का कोई दे है तो लाल सो देख सब ही नौ है एक आधा बंदर इस आधा दूर तो फेंक दिया तो ले लिया लेकिन पास मांगा खोसा पसोटी निकला था एक आधा तो वे भाग भाग कर एक आधा इतना बेईमान एक हाथ में लेकर और भी ले लिया शरारती बंदर थे छोटे छोटे बच्चे भी थे बेअक्टिव से हो जा लेकिन फिर यही ना बाटे ये केड़े देखो वे आने लगे देखो पीछे थे मैं आवाज़ लगा रही थी बार बार मैं और भी मंकी आ रही हो देखो वो कोस ले गया बड़ा मैं कह रही थी मैं ऊपर बैठा एक छोटा सा बच्चा मैं कहते उसने और दे दो ए वो ले लिया उसने भी हाँ मैं यो रत्ता बैठा था ऊपर यो मोटा बंदर फिर आ गया वो सिर्फ यो रेडी वाला ने बोला जी मैं तो ना खेड़े और ये रखता हूँ सिर्फ बंदरों के लिए क्योंकि आते हैं पब्लिक में ले लेते हैं और फिर यहाँ बंदरों को खिला देते हैं पानी भी रख रखा था इन्होंने यहाँ पर छोटे बंदर कैसे उछल उछल कर ले अच्छा भी लग गया पर देखो डरता लग गई है कहते ये पढ़ ले मैं फिर भैया गंडे के जूस वाला था अतुल बोला ला जूस पी ला वैसे मैं जूस पिया नहीं करूँ गंडे का पर लेकिन मैंने भी इनके साथ उसन पीना पड़ा फिर भैया पर रास्ते में होटल था होटल में फिर बोला लो खाना खा लेते हैं डेढ़ का टाइम हो गया था बोला फिर ज़्यादा लेट हो जाएंगे नहीं तो बोला वह खाने का टाइम उठ जा है बोला इतना खाना आओगा इतना दो का टाइम हो जाएगा देखो 15-20 मिनट तो बड़े बड़े होटलों में लगा जा है अच्छा बड़ा होटल है बढ़िया खाना है और देखो खूब पब्लिक बैठी थी ये सब खाटू श्याम जी के बगैर तक कोई बहुत सारे वहीं से आ रही थी पब्लिक क्योंकि इन्होंने वो माथे पर है ना राधे राधे का वो लग रहा था ना बहुतों के तिलक लगा रखा था बोला ऑर्डर कर दिया था खाना देख कह रहे थे बोला करूँ मैं देख रही थी किस जार में क्या है तो इसमें अचार था फिर भी देखो ये यहाँ शॉप सी खुल रही है मैं ये परस देख रही थी मैं कहा ये पर्स कितने का बहुत रेट बोलना भाई हमारे यहाँ से भी ज़्यादा रेट बोलते हैं ये होटल वाले तो क्यों पता है अभी पब्लिक आओगी तो लेकिन फिर यो नहीं लिया मैंने फिर मैंने और कुछ देखने लगी मैं कल एक वो बुढ़िया आनी थी परीक्षा जिसकी शाम वीडियो डाली थी मैं कल लो भाई ले लेते हैं वो कई साल में हुआ फिर यो वो कह रही थी मेरे क्रोकरी का वो लेके आना फिर हमने एक क्रोकरी वाला था मैं एक बोन उसका पहले ले आई थी टी सेट देखो यो रखा छोटे छोटे कप और ये फिर मैंने ये टी सेट मैं कहा चलो ये ले लेते हैं फिर मैं हम देख रहे थे मैं कहा क्या ले क्या नहीं फिर यो क्रोकरी सेट करवाया उसका इसे ऐसे नमक छिड़कन का था कि कुछ वो बनाते हैं सारा इस पर क्रोकरी का इस्तेमाल था ये होटल में ही था इतना बोला खाना आ जाएगा इतना हम ये पैकिंग करवा लें टी सेट वो बोलते देखो ये पीले वाला केटली और ये वाला तो दिखाई दे रहे हैं ये उसके लिए मैंने टी सेट लिया इसके अच्छे से मैंने पैकिंग करवाई फिर यहाँ खाना आ गया था खाना खाया बेबे खाना के खाया बेबे तंदूरी पराठा मंगा लिया वो इतना एक पराठा इतना बड़ा आ गया वो बस मैं तो पूरा एक भी नहीं खाया गया फिर मैं कह रही थी मैं कहना थारी थारी वीडियो बना मेरी वीडियो तो कोई बनाता है ना मगर भाई वो ताता है खाया जाएगा मेरे तो ताता है खाएगा फिर खरब सा बोले ला तेरी वीडियो मैं बनाऊँ फिर मेरा खाना खाते हुए की वीडियो इन्होंने बनाई इन्होंने थोड़ा कैमरा घुमा दिया देखो कितना इसमें ना इतनी वो भरिया था आलू प्याज धनिया आधा मेरे साथ आता है पराठा खाएगा मगर मैं नहीं खाऊँगी क्योंकि वो जूस पी लिया था बीच में थोड़ा भूख सी मर गई थी देखो भाई ये होटल था फिर हमने किया खाना खाने के बाद चलने की तैयारी मैं बोला चलो चलते हैं अच्छा बड़ा होटल है वैसे सियोम होटल
इसी पर रुकिया करा, कई बार लंच करना हो जाए, बढ़िया होटल है और चीज भी बढ़िया है वैसे ना, खाना देखना पड़ा है ना भाई, बढ़िया बाहर जाकर तो ठीक खाना वाना ठीक होना चाहिए, क्योंकि ना तो फिर वैसे तो बहुत खुल रहे हैं, इतना ये घूम रहे थे, इतना मैंने सोची मंगा लिया मैं थोड़ी ही अपनी वीडियो की क्लिप निकाल लूँ। ये अमृत बाण है और वे यहाँ पर देखो ये मॉल भी था कपड़ों का, और फिर यहाँ देखो ये बना बना कर रख रखे थे ये चेयर है। इन पर राज अपने राजस्थान में ना इन पर कलाकारी बहुत दिखाते हैं। ये देखो जूती चप्पल रखी थी, मैं बोल रही थी मैं कहा ये सब कुछ दिल्ली में भी इसी रेट मिल जाता है, यहाँ बल्कि ज़्यादा है, दिल्ली में अपने में नॉर्मल रेट है। और ये बच्चा के खिलौने रखे थे लेकिन अमरियांस के लिए नहीं लेके आए, क्योंकि एक तो यहाँ महंगे देते और फिर भी वो तोड़ते हैं सारी चीज़ें ना। ये देखो गणेश जी का वो बना कर रख रखे राजस्थान में, देखो मोर का देखो कितना अच्छा स्टाइल बना रखा है, लोहे का था ये वैसे तो ये सारा। ये अतुल कह रहा था ये ले ले, मैं कह रहा वो मार का भी इतना जब तोड़ देगा, फिर उसके लिए हम वहाँ से ले आए थे एक दो तो खिलौना। ये फिर बुक्स वगैरह कलर्स वगैरह भरने का, मैं कह रही थी इससे अच्छा तो ना उसके कलर बुक ये ले ले, फिर बोला बुआ ये तो उसके ला रखे हैं, फिर मैं कहा चल ला रखे थे रहने दे, वो तो वो छोटा है उसने इतना वो पता नहीं चीज़ों का, फिर बुक देख रहा था बोला हाँ ये तो बोला ला रखी है एक्टिविटी की और ये कलर वगैरह करने की बोला, फिर मैं कह रही ये तो रहने दे। मैं देखो भाई ये स्टूल बना बना रख रखे कितने सुंदर तरीके से, देखो स्टूल पर के डिजाइन कलाकारी दिखा रखी है, देख रहे थे मक्का देखो कितने बढ़िया। हमारे राजस्थान में ये कलाकारी का बहुत वो हो जाए है। देखो भाई ऑटो किस तरह सजा कर रखा है, फिर मैं बोली देखो ऑटो किस तरह सजा रखा था, इस तरह की घंटी वगैरह। देखो भाई ये साइकिल है, साइकिल की कलाकारी दिखा रखी है, होटल में बहुत सी चीज़ें भी आवा पब्लिक ले हुए हैं। और भी जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम।